बिहार के अररिया के रहड़िया गांव में है और ये गांव तब फेमस हुआ था जब आरती छोटू की प्रेम कहानी की दास्तां उनकी चर्चा सोशल मीडिया पे खूब तहलका मचाया था। लगातार लोग इनके घर आ रहे थे, आरती से बातचीत कर रहे थे, मन्नू से बात कर रहे थे और उनके परिवार के लोगों से बात कर रहे थे। और आज हम भी इसलिए इस गाँव आए हैं क्योंकि 8 लोगों को सजा हो चुकी है और छोटू के पिता हमारे साथ है, हम इनसे बातचीत करेंगे। उमेश यादव आपका नाम है, कैसे हैं उमेश चाचा आप? ठीक हैं। ठीक है, घर परिवार का क्या माहौल है? सब ठीक है। आप अच्छे हैं? हम तो अच्छे हैं लेकिन थोड़ा डायबिटीज परेशान कर रहा है। डायबिटीज परेशान कर रहा है? अच्छा, और सेहत वगैरह के मतलब? बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। अब तो किसानी का भी काम आप देख रहे हैं, खेत मतलब वीडियो आपका वायरल हो रहा है। कैसे कैसे सोशल मीडिया पर आने लगे? क्या करेंगे, मजबूरी है ना, आना पड़ेगा ना। आज सोशल मीडिया के ही चलते तो इतना मतलब हाईलाइट हुआ केस मेरा, इतना जल्दी हमको न्याय मिला है। तो आरती और मन्नू तो आ रहे थे, आप कैसे कदम रखती है सोशल मीडिया में? रखना पड़ता है ना, क्या करें ना? आपका क्या रोल होता है उसमें? अब मेरा रोल तो यही है ना, घर का गार्जियन समझिए हम ही हैं। हाँ। अच्छा, हाँ। और परिवार में क्या चल रहा है? 8 लोगों को जो है सजा हो चुकी है। हाँ, सजा हो चुकी है सबका। कितना संघर्ष लगा इस जगह तक पहुँचने में और आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी का समय तो सही में हमको बुझा रहा है, तो ये तो हम सोचते हैं कि से मीडिया ही, मीडिया का कृपा है कि से इतना जल्दी हमको न्याय मिल गया, नहीं तो इतना जल्दी नहीं मिलता। कितना केस आदमी का पड़ा रहता है, न्याय नहीं मिलता है। लेकिन हम तो सब दिन कानून पर भरोसा किया और मीडिया पर भी भरोसा सब दिन किए कि हमको जल्दी न्याय मिलेगा, और मीडिया हाईलाइट नहीं लाता तो केस इतना जल्दी हमको न्याय नहीं मिलता। अच्छा, मीडिया को इसका श्रेय दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन को आप धन्यवाद कह रहे हैं? जी जी जी। अच्छा। पुलिस प्रशासन भी हमको अच्छा से मतलब अपना दायित्व निभाया कि हमको बहुत जल्द न्याय मिल गया। अच्छा, आरती कैसे रह रही है? बिल्कुल सही रह रहे हैं। मन्नू भी ठीक है, खाना वगैरह बना के खिला रही है, जो मतलब होता है ससुर घर, इस घर का गार्जियन तो आरती ही है और मन्नू है, घर को कौन चलाएंगे, वही दोनों चला रहे हैं। हम तो एक समझिए कि मतलब एक गार्जियन का रूप में हूँ, सब काम धाम तो वही लोग करता है, हमारा काम है देख रेख करना। बीच में खबर आ रही थी कि आप दादा बनने वाले हैं। देखिए, दादा बनने वाले तो थे लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया, उनको भी बहुत ज़्यादा मार लगा हुआ था ना, इसलिए आर्थिक को, हाँ इसलिए तो इलाज उनका चल रहा है। घर में आपका और आरती का इलाज अभी चल रहा है इलाज। अच्छा, एक बात और बताइए, ये घटना का कितना साल हो गया आज? 2 साल हुआ है। दो साल हुआ। आज भी उन दिनों को याद करके तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आरती बता रही थी कि मम्मी और पापा खूब रोने लगते हैं। देखिए, हम पिताजी हैं, हम तो किसी तरह मतलब रह जाते हैं लेकिन उसका माँ को बर्दाश्त नहीं होता है, माँ तो रोने लगता है। माँ रोने लगती है, कोई भी बेटी की तरफ मोहब्बत में वो, कोई भी पर्व त्यौहार आता है उसमें तो उनको आ जाता है बच्चा का, तो रोने लगता है। अंदर से तो हम भी रोते हैं क्योंकि एक बच्चा से पोस पाल करके बड़ा किए, पढ़ाई लिखाए, आज कमा को खिलाने का टाइम में उसका जो है वो लोग जो है हत्या कर दिया, तो इससे तो थोड़ा दुख हमको भी है। तो लेकिन हम थोड़ा गम में रहते हैं, किसी को बताएंगे तो बताने से थोड़े होगा, अपना काम करने से कहीं ना कहीं गम जो है आज भी होगा। जी जी, परेशानी है वो निकल कर सामने आ ही जाए। हाँ, और क्या कुछ नया आप कर रहे हैं? अभी तो नया कुछ नहीं हो रहा है, जैसे पहले था वही स्थिति में। अब पहले तो खेती बाड़ी नहीं करते थे, अब नया में वही है कि खेती बाड़ी भी अब कर रहे हैं। इतना बढ़िया बोलने कैसे सीख गए आप? यूट्यूब पे जो आपका वीडियो आता है, आप भी एकदम आरती मन्नू के साथ आप भी बोलते हैं। देखिए, ये तो परमात्मा की कृपा है, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो धीरे धीरे इस मतलब अथी में रहे तो बोलने के लिए थोड़ा थोड़ा आ गया। अच्छा अच्छा, जी जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं जो वीडियो आप देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनका जो है धन्यवाद अति करते हैं कि जो हमको सपोर्ट कर रहा है, उनकी सपोर्ट से हम इतना आगे तक पहुँचे हैं। अच्छा, उमेश यादव आपका नाम है? जी जी जी। उमेश यादव इस वक्त बातचीत कर रहे थे, मन्नू के पापा हैं और आरती के ससुर हैं। अब छोटू इस दुनिया में नहीं रहा,
छोटू इस दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन छोटू की यादें, छोटू की अच्छाई और उनका हर कुछ आज भी उनके पिता उमेश यादव को खिला देता है, परेशान कर देता है, आंखों में आंसू आ जाता है बेटे के उस वक्त की बातों को याद करके। इनके पिता का कहना है कि जब कमाने की बात आई तो बेटा हमें छोड़कर चला गया। बाकी आरती छोटू जो है, आरती और मन्नू अब इस घर में रह रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, 8 लोगों को सजा सुना दी गई है और उमेश यादव जो छोटू के पिता हैं और आरती के ससुर हैं वो कह रहे हैं हमें न्याय मिल गया। हम पुलिस प्रशासन को, मीडिया के साथी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मेरे इस मामले को हाईलाइटेड किया, हम अब ठीक ठाक से रह रहे हैं। थोड़ा बीमारी है, चीनी का थोड़ा सा परेशानी है, वो भी कहीं ना कहीं इसका इलाज पटना से चल रहा है। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे देखा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।